फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, यह आपने अपनी 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। और फ्रिक्शन होने का रीजन भी पढ़ा होगा कि अगर मैं एक ब्लॉक को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता हूं तो ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर क्या लगाती है, एक अपोजिंग फोर्स उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ग्राउंड रफ है, तो जिस वजह से उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स को, फ्रिक्शन, राइट। अब फ्रिक्शन होने का रीजन क्या है और ये क्या डेफिनेशन के अंदर समझाया गया है, इसको समझते हैं। फ्रिक्शन होने का रीजन समझने के लिए, क्या है फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं और छोटी क्लास में सिखाते भी हैं कि भाई सरफेस ना रफ है और रफ सरफेस पे मूव करना इतना आसान नहीं है, स्मूथ पे तो आप स्लिप हो जाओगे, रफ पे हो नहीं पाओगे। हाँ, कॉमन सेंस कहती है हाँ सही सही बोल रहा है, पर ऐसा क्यों हो, क्या रहा है रफ सरफेस में ऐसा जो हमें रोक रही है। तुम अगर ध्यान से देखो और मुझे कहो सर ये जो बेंच है ये बिल्कुल स्मूथ है, इसे फ्रिक्शन लग नहीं रही, बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, टाइल बिल्कुल स्मूथ लग रही है, इसे फ्रिक्शन लग नहीं रही, लेकिन एक्चुअल में जब तुम इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तुम्हें ऐसा लगता है या लगेगा कि जो फ्रिक्शन है या जो सरफेस है वो ऐसी है, स्मूथ है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसी होगी नहीं। तुम जब इसे माइक्रोस्कोप से खोल के देखोगे तो यही सरफेस तुम्हें ऐसी दिखेगी, बड़ी बड़ी उबड़ खाबड़ दिखेगी, अंदर जब झांक के देखोगे माइक्रोस्कोप से तो ऊपर नीचे दिखेगी। और तुम जब इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखते हो, एक किताब रख दी या ब्लॉक रख दिया, तुम बनाते तो ऐसे हो लेकिन ऐसे सरफेस होती थोड़ी ना। अगर ग्राउंड आपका ऊपर नीचे है तो आपकी सरफेस भी ऊपर नीचे है, तो दो बॉडीज ऐसे कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं, तो स्मूथ तो है ही नहीं कहीं पर भी। इसको और बेटर समझते हैं, अगर मेरे पास दो सर्फेसिस हैं, जैसे ये एक स्मूथ है और ये भी एक स्मूथ है, तो ये स्लिप हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी में सरफेस ऐसी है ही नहीं, रियलिटी में सरफेस स्मूथ नहीं है, खड्डे दिखेंगे आपको ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जैसे ये सरफेस ऐसी नहीं है, लगती ऐसी है पर एक्चुअल में ऐसी है, देखो मेरे फिंगर्स में खड्डे दिख रहे हैं, और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो खड्डे आपको और गहरे दिखेंगे। तो देखो ये सरफेस में ऐसे खड्डा आ रहा है, फिर ऐसे हो रही है, और जब तुम किताब लेके आओगे इसके ऊपर ब्लॉक लेके आओगे तो ब्लॉक भी ऐसे ही खड्डेदार होगा, रफ। और जब तुम एक इस ब्लॉक को ग्राउंड के ऊपर रखोगे, ये देखो इंटरलॉकिंग हो गई, ये अंदर घुस गया, अब इनमें लॉक लग गए, तो सरफेस रफ है ना, तो बीच में टकरा रही है, तो मूव करने में मुश्किल हो रही है, तीखे तीखे एंड्स है ना, या गोल एंड्स है, उबड़ खाबड़ है, तो ये मूव करने में मुश्किल हो रही है। अब मुश्किल हो रही है तो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, आसानी से मूव नहीं कर रही, तो ये रीजन है फ्रिक्शन होने का। फिर कोई कहता है काम करो तेल डाल दो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, तुम खड्डों को भर रहे हो लिक्विड से, तो ऑब्वियसली दूसरी सरफेस अंदर इंटरलॉक कर नहीं पाएगी, ऊपर ऊपर से खिसक जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक। कोई कहता है जी ठीक है समझ में आ गया, अब हम +1 में हो गए हैं, समझ में आ गया कि तो आपने कहा जी ऐसे सरफेस स्मूथ नहीं है, ऊपर नीचे है, सही है, इंटरलॉकिंग है। कोई कहता नहीं सर और डिटेल में दिखाओ, तुम बड़ा माइक्रोस्कोप ले आओ, अब तुम बड़े माइक्रोस्कोप से देखो तुम्हें खड्डे दिखने बंद हो जाएंगे, तुम्हें ना करोड़ों एटम्स और मॉलिक्यूल दिखेंगे, केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, हम क्योंकि हर चीज़ मॉलिक्यूल और एटम से बनी हुई है, तो इधर के भी करोड़ एटम्स हैं, इधर के भी करोड़ एटम्स हैं, जब एक दूसरे के ऊपर पड़े तो बॉन्ड बना के बैठ गए, अपना करोड़ों बॉन्ड बन गए। अब तुम उन बॉन्ड्स को कैसे तोड़ोगे, जब तुम तोड़ोगे जितना भारी ऑब्जेक्ट है तो उतना ही अंदर दबेगा, उतने ही बॉन्ड बनाएगा, तुम फोर्स लगाओगे ये हिलेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, फोर्स, वो जो फोर्स रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए वही फ्रिक्शन है। इसलिए फ्रिक्शन का दूसरा नाम है या फ्रिक्शन होने का रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रिक्शन क्यों, फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स चार्ज है, ये देखो चार्जेस हैं, पर हम केमिस्ट्री नहीं खोल सकते कि करोड़ों एटम ने कितने बॉन्ड बनाए तो इसलिए फोर्स निकलेगी, हम ये करेंगे नहीं, पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है। तो हिस्ट्री समझ में आ रहा है इसकी। अब इसके अंदर ये बताया गया है, और ये भी आपने नोट किया होगा, या नोट नहीं किया तो ये पूछा जाता है कि आपके पास एक सरफेस रफ थी, आपने पॉलिश कर दी तो इसकी फ्रिक्शन कम हो गई, स्मूथ हो गया, कम हो गई, आपने कहा मजा आ गया फ्रिक्शन कम हो गई, तुमने और पॉलिश कर दी, और पॉलिश कर दी, और पॉलिश कर दी, और पॉलिश कर दी, तुमने नीचे की सरफेस ही
जो स्मूथ थी वो तो रगड़ रगड़ के नीचे खुरदरी सरफेस और निकाल दी, तो फ्रिक्शन कम होने की बजाय अब बढ़ जाएगी, ज्यादा ही रगड़ दिया अंदर की सरफेस बाहर आ गई। तो इसलिए बहुत पॉलिशिंग मत करना, आपकी फ्रिक्शन कम होने की बजाय उल्टा बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब एक बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये रहा एक ब्लॉक, ये ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था, ये रहा ग्राउंड है, और मैंने ये कहा इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है, तो आपने पूछा कितनी, मैंने कहा 2 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी चलेगी? तो आपने कहा ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है 100% चलेगी, पर अगर फ्रिक्शन है, मैं कह नहीं सकता, चल भी सकती है नहीं भी चल सकती, डिपेंडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सुनो, इस बॉडी को इस सरफेस से हिलाने के लिए मान लो फोर्स रिक्वायर्ड थी मिनिमम 10 न्यूटन, ये मैंने दे दी आपको। तो अगर आप चाहते हैं ये ब्लॉक अपनी जगह से हिल भी जाए, तो आपको कम से कम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन। 9.9 पे नहीं हिलेगी, 9.98 पे भी नहीं हिलेगी, 10 पे भी नहीं हिलेगी, 10.1 पे हिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, और मैंने कितनी फोर्स लगाई, 2 न्यूटन। और ये 10 न्यूटन क्यों है, ये फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि अंदर बॉन्ड बने हुए हैं तो अंदर फ्रिक्शन तो है ही है। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है इसमें? कितने लोग बोलते हैं 8 न्यूटन? ओके, कितने लोग बोलते हैं 10 न्यूटन? कितने लोग बोलते हैं 2 न्यूटन? कितनी? 10। 10 सोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दो तो मैंने फोर्स अप्लाई की है, तो तुम्हें क्या लगता है 10? ठीक है, जैसे तुमने आंसर 10 बोला तो न्यूटन की आवाज सुनाई देगी आपको, अभी देखना। वो कहेगा ठीक, पहले मेरा आंसर दे, मेरा क्वेश्चन है, न्यूटन बोलेगा ये ले, मैं मान लेता हूं 10 तेरा आंसर सही है, तो मैंने फोर्स कितनी लगाई यहां पर, 2 न्यूटन, का माने 2 न्यूटन। और तुम्हें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं कि 10 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कहां करेगी, पीछे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, पीछे। तो न्यूटन कहता है बड़ी फोर्स पीछे, छोटी फोर्स आगे, और बॉडी कहां मूव करेगी, पीछे। भाई न्यूटन ने कहा नेट फोर्स 0 कहां है, 10 न्यूटन की फोर्स तो मेरी तरफ आ जाएगा, ये सही है। तुमसे एक तो ब्लॉक नहीं हिल रहा, फिर तुम हल्की सी फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन बड़ी हो जाएगी और तुम्हारी तरफ खींची आएगी। तुमसे ट्रक मूव नहीं कर रहा, तुम ऐसे टच करो ट्रक तुम्हारे पास, क्योंकि फ्रिक्शन बड़ी हो गई। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। तो कम से कम 10 न्यूटन तो आंसर नहीं हो सकता। सही है, अब समझ में आया 10 क्यों नहीं होगा, तुम आंसर दे नहीं पाओगे ना, 10 के साथ तो अनइक्वल फोर्सेस हो गई और बॉडी तो मूव करना शुरू कर देगी, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली, तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारी ऑपोजिट तरफ। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है लॉजिक? तो आंसर 10 न्यूटन नहीं होगा। आप ठीक बोल रहे हो, इसका आंसर 2 न्यूटन होगा, क्योंकि अंदर से ये फोर्स एक क्या कर रही है, कैंसल, और बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, और अगर मैंने फोर्स 2 की जगह 3 न्यूटन लगा दी, तो अंदर ही अंदर ये फोर्स कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन, ताकि बॉडी किस पे रहेगी, एट रेस्ट। कि मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि 3 न्यूटन पे से मूव ही नहीं करना, क्योंकि कम से कम फोर्स कितनी चाहिए, 10। तुम 4 लगाओगे ये 4 कर लेगी, तुम 6 लगाओगे ये 6 कर लेगी, 8 लगाओगे 8 कर लेगी, 10 लगाओगे 10 कर लेगी। पर अगर तुम अब 11 लगाओगे, अब ये 11 नहीं लगा सकती, क्योंकि अब इसको आगे मूव करना पड़ेगा। राइट, क्लियर है? तो फिर फ्रिक्शन क्या होगी, इसको करने के लिए, इसका आंसर देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। तो आपकी बुकलेट में ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने यहां नोट किया हुआ है, ये रहा, जिसमें ये मेंशन्ड है कि सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है, 10 न्यूटन। सपोज कि 10 न्यूटन से कम ये अपनी जगह से हिल नहीं सकती, ठीक है, और तुमने फोर्स कितनी अप्लाई की, ये तुम्हारी अप्लाइड फोर्स है, तुमने जोर कितना लगाया, तुमने फोर्स कितनी लगाई, 1 न्यूटन, तो बॉडी हिलेगी नहीं, क्योंकि मिनिमम फोर्स तो 10 न्यूटन है। तो उल्टी तरफ, ऑपोजिट तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डेवलप, अंदर ही अंदर कितनी डेवलप हो जाएगी, 1 न्यूटन। तो अगर तुम 2 न्यूटन लगाओगे, तो ऑपोजिट फोर्स ऑटोमेटिकली कितनी डेवलप हो जाएगी, 2 न्यूटन, ताकि 2 2 के साथ कैंसिल, 3
थ्री करोगे तो थ्री, फोर तो फोर, फाइव तो फाइव, एट टू एट, टेन टू टेन, ये गेम टेन तक चलेगी। और इस दौरान बॉडी किस पे रहेगी? एट रेस्ट, नहीं चलेगी। इसीलिए सारी फ्रिक्शंस का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो किस्म की है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। अगर तो बॉडी रुकी रह गई फिर तो स्टैटिक, और अगर बॉडी स्लाइड हो गई तो फिर कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। अब सोचने वाली बात यह है कि अब तुमने फोर्स 10 से ऊपर लगानी शुरू कर दी, 11, 12, 13, 200 एंड सो ऑन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 होनी चाहिए थी, कि 10 होनी चाहिए, हर बार 10 ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर तो जाएगी नहीं अब, लेकिन 10 नहीं आई, थोड़ी सी कम हो जाती है। जब बॉडी चलती है तो फ्रिक्शन काइनेटिक अपना रोल प्ले करती है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, चाहे वो 0.2 कम हो, चाहे 0.3 कम हो, चाहे 0.1 कम हो, कम जरूर हो जाएगी, बराबर नहीं हो सकती। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जब बॉडी चलती है तो वो बॉन्ड ठीक तरह बना नहीं पाती, चलती बॉडी फटाफट भाग रही है ना, तो बॉन्ड ठीक तरह बन नहीं पा रहे, तो तोड़ोगे क्या? जब बने ही नहीं तो फटाफट आगे मूव करती है बॉडी, लेकिन जब खड़ गई तो बॉन्ड बिल्कुल धस जाते हैं, बॉडी धसेगी नीचे की तरफ, तो क्या होगा? बॉन्ड पूरे बॉन्ड बना के बैठ जाएगी, तो खड़ी हुई बॉडी को हिलाना मुश्किल है, चलती बॉडी एक बार चल गई फिर धक्का मार के चल जाती है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तुम बहुत बड़ा बेड है आपके घर पे जो हिल भी नहीं रहा, तुम जोर लगाते हो नहीं हिलता, अलमारी नहीं हिलती, पर तुमने देखा होगा जब एक बार उस पर धक्का लग जाता है वो फटाफट से यहां से यहां स्लिप हो जाती है, क्योंकि एक बार चल गई तो चल गई, और रुकी रह गई तो रुकी रह गई। समझ में आ रहा है यहां तक? इसलिए जब बॉडी चलती है काइनेटिक मोशन में होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल है, आप इसका फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट कर सकते कि 1 न्यूटन का या 2 न्यूटन का या 3 न्यूटन का फॉर्मूला बताओ, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करती है? आपने कितनी फोर्स अप्लाई की। तुमने जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रही है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, क्योंकि अपने ये फोर्स अप्लाइड को देखते हुए अपनी वैल्यू को क्या करती है? सेल्फ अपने आप एडजस्ट कर लेती है और आपकी फोर्स को कैंसिल करती रहती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम्हें बस ये पता लगना चाहिए कि बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, उसके बाद अगर तुमने 1 न्यूटन लगाई तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही होगी, 2 लगाई तो 2 ही होगी, और ये लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके बाद तो बॉडी ने चलना शुरू कर ही देना है। तो लास्ट या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर एक लिमिट क्रॉस कर रहे हो आप, अब तो बॉडी चल पड़ेगी, इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इस दौरान बॉडी किस पे रहेगी? एट रेस्ट। और ये लास्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसके बाद बॉडी चलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो ये पहला लॉजिक क्लियर है। अब दूसरा, अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर एक बात बताओ, आप मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताओ, या आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता लगा इस बॉडी को मूव करवाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए थी। तो मैंने कहा यार बॉडी के मास और वेट पर डिपेंड करता है। तो उसने कहा कुछ तो फॉर्मूला होगा आपके पास जिससे आप ये निकाल पाए कि बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। मैं कैसे निकालूंगा कि सलमारी को हिलाने के लिए 15 न्यूटन फोर्स चाहिए? मुझे क्या पता ट्रक को हिलाने के लिए तो 1000 न्यूटन फोर्स चाहिए। कुछ तो फॉर्मूला होता होगा ये कैलकुलेट करने का। मैंने कहा होता है। तो कहता किस पर डिपेंड करता है? मैंने कहा एक तो उसके भार पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं वो भारी है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये भारी अलमारी को मूव करना आसान मुश्किल है और हल्की को आसान है। और दूसरा रफनेस के ऊपर, कितना खुरदरी सरफेस है, रफनेस ज़्यादा है फ्रिक्शन ज़्यादा है, मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा, स्लिपरी के ऊपर मूव करवाना आसान हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो कहता फिर फॉर्मूला बताओ। तो मैंने कहा देख, मैं तेरे को 2 फॉर्मूले बता सकता हूँ फ्रिक्शन के। एक तो मैं तेरे को ये वैल्यू बता दूंगा कि कैसे पता लगता है कि बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, और उस फोर्स का नाम क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे सकता हूं, पर ये नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बाद इससे पहले की फ्रिक्शन तो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी फोर्स को अप्लाई किया था। तो एक तो मैं ये दे सकता हूं,
और एक मैं ये भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू भी चेंज नहीं होती, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मैं ये वैल्यू भी दे दूंगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं तुम्हें दो फॉर्मूले देने वाला हूँ जिससे कि तुम मैक्सिमम स्टैटिक निकाल पाओगे और जिससे कि तुम काइनेटिक भी निकाल पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ये लॉजिक समझ में आ रहे हैं? तो इसके लिए फ्रिक्शन के अंदर लॉज बनाए गए, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लिखा हुआ है, सिर्फ समझना है आज का लेक्चर आपने, और कुछ नहीं करना। आने वाले अगले लेक्चर से हम लिखने वाला काम शुरू करेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास एम है, तो वेट कितना है? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एन एन। तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। वेट नहीं बोलना, नॉर्मल रिएक्शन बोलना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पे। आप कहोगे ये क्या बात बनी, मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर नॉर्मल रिएक्शन भी तो वेट ही है एम जी, तो तुम एम जी पुट कर दो। जरूरी नहीं है ना, जब मैं इंक्लाइंड प्लेन लूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा हो जाता है, तो वहां फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसलिए वेट नहीं बोल सकते। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए लॉ है, यही रूल है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पे। और दूसरा डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर। अब जो सरफेस है, जैसे यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल के साइन की जगह कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट आता है म्यू। म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सरफेस के लिए लगता है, अगर आपकी सरफेस रफ है तो म्यू की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर स्मूथ है तो म्यू छोटा होगा। और सोचो इतना स्मूथ है कि फ्रिक्शन ही नहीं है, तो म्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो तुम चाहे ट्रक खड़ा दो उसके ऊपर, अगर म्यू तुम्हारा जीरो है, सरफेस रफ है ही नहीं, तो फ्रिक्शन भी क्या रहेगी? जीरो। तो रफ सरफेस के लिए, रफनेस के लिए हम क्या करेंगे? म्यू लगाएंगे। और वेट भार के लिए क्या लगाएंगे? नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला आ गया म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो अब मैंने एक स्टूडेंट को ये बोला, ठीक है तेरे को फॉर्मूला पता लग गया? कहता हाँ जी लग गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके दिखा। क्या न्यूमेरिकल था? मैंने कहा देख ये एक ब्लॉक है। हाँ, कहता ब्लॉक है, सही है। तो मैंने कहा देख ये 5 kg का ब्लॉक है। कहता ठीक है 5 kg का ब्लॉक है, और ये फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे, और म्यू की वैल्यू 0.5 है। कहता ठीक है। तो मैंने कहा बता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितनी? उसने कहा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर? 5g, n इज इक्वल टू 5g, तो mg का मतलब यहाँ पर 5g, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5g। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 25 न्यूटन। तो बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 25 न्यूटन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, लॉ लगाना आ रहा है, पर ये ना बात सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों सही नहीं है? इनकम्प्लीट है। कैसे? हाँ, मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि बॉडी चल रही है कि बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी, और अगर ये चल रही होती तो फिर ये काइनेटिक होती। ये तो मैंने बताया ही नहीं, और अगर मैंने बताया ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि ये स्टैटिक बोले या काइनेटिक, क्योंकि फ्रिक्शन दो किस्म की है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से तो कम ही आती है, तो एक्चुअल में तो दो दो फ्रिक्शन आनी चाहिए थी। ठीक है ना यहां तक? तो आपको तो ये पता नहीं कि बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही, और आपको ये भी नहीं पता बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, तो आपको कुछ नहीं पता। तो ये ना स्टेटमेंट ही सही नहीं है, और न्यूमेरिकल भी सही नहीं है। तो आप ऐसा कर नहीं सकते कुछ भी। एफ इजिकल म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और एफ आ गया जी। एफ कैसे आ गया? तुम्हें ये ही नहीं पता कि बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही, काइनेटिक बोलना है कि स्टैटिक बोलना है, कुछ नहीं पता। तो मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैंने क्वेश्चन ठीक नहीं पूछा, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हुए। अब मैं सही क्वेश्चन पूछता हूं। अब देखो,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ या तो स्टैटिक होगी, या तो क्या होगी, स्टैटिक होगी, या फिर क्या होगी, काइनेटिक होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? या तो बॉडी स्लाइड करेगी या नहीं करेगी, दो ही चीजें हो सकती हैं, या करेगी या नहीं करेगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, दोनों में सेम है। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर ये बॉडी है जिसका मास mg है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? n। और ये किस पे पड़ी हुई है? रेस्ट पे, स्टैटिक है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहां पर? mg। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर ये बॉडी चल रही है, स्लाइड कर रही है, इसका वेट mg है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में भी कितना है? mg। ये चेंज हो जाएगा या हो सकता है चेंज? हो सकता है। मतलब अगर मैं भाग रहा हूं, आज मैं 80 न्यूटन का हूं, भाग रहा हूं भाग रहा हूं भाग रहा हूं, हो सकता है मैं 120 न्यूटन का दिखूं आपको, हाँ हाँ मेरा वेट बढ़ गया, क्यों? मैं भाग रहा हूं। भाग के भी वेट बढ़ जाते हैं, तुम मोटे हो जाओगे। तुम भाग रहे हो, है एक बच्चा भाग रहा है, उसका वेट है 50 न्यूटन, फिर वो अपने पापा से भी भारी हो गया, क्यों जी? क्योंकि वो भाग रहा है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। तो एन थोड़ी ना चेंज होता है कोई, एम और जी तुम अर्थ थोड़ी ना छोड़ रहे हो, जी तो वही है, एम भी वही है, तो एन सेम रहता है। और अगर n की वैल्यू स्टैटिक में और काइनेटिक में चेंज ही नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको कहा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर म्यू चेंज होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अलग होता है, और अगर मोशन में है तो अलग होता है, तो म्यू डिफरेंट है। म्यू रफनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब बॉडी चल रही होती है तो उसके बॉन्ड नहीं बन पाते, तो वो स्मूथनेस की कैटेगरी में आती है, वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है। और जो खड़ी बॉडी है उसके बॉन्ड प्रॉपर बनते हैं, लॉकिंग प्रॉपर होती है, तो उसका म्यू बढ़ जाता है, रफनेस ज़्यादा काउंट होती है। इसीलिए बोला जाता है दोनों के म्यू डिफरेंट हैं, रफनेस डिफरेंट है। बॉडी खड़ी हुई है, रफनेस ज़्यादा काउंट होगी, बॉडी चल रही है, रफनेस कम काउंट होगी। इसलिए ये हमेशा ट्रू रहेगा, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। तो म्यू एस रफनेस ज़्यादा होगी स्टैटिक में, और जब स्लाइड करेगी काइनेटिक में रफनेस कम होगी। तो सोचो जब ये टर्म ज्यादा होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब चलेगी ये टर्म कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। सही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? और जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो स्टैटिक का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आती है, ये स्टैटिक नहीं आती, ये मैक्सिमम स्टैटिक आती है। क्योंकि स्टैटिक तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, वो तो डिपेंड करती है आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, वो तो चेंज होती रहती है। पर मैक्सिमम स्टैटिक मैंने कहा था मैं निकाल के दिखाऊंगा, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसके इक्वल है। मैक्सिमम स्टैटिक का मतलब होता है बॉडी को मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, उसे मैक्सिमम स्टैटिक बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक का फॉर्मूला क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्लियर है। जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है, तो इसका वेट क्या है? 10 g है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 10 g है। फ्रिक्शन प्रेजेंट है। म्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी होती, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी ही होती है। तो म्यू एस सर्फ, क्योंकि रफनेस आप बॉन्ड थोड़ा ना कैलकुलेट करोगे, रफनेस कैसे कैलकुलेट करोगे? रफनेस तो आपको गिवन है। तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के 0.4 है। म्यू एस हमेशा बड़ा दिखेगा, म्यू के हमेशा छोटा ही दिखेगा, गिवन है। और सपोज करो इसके ऊपर मैंने फोर्स कितनी लगाई? 20 न्यूटन। बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? कैसे ओरली एक मिनट बता दिया? सही है, बहुत तेज किया। तो अब मैंने फोर्स लगाई 20 न्यूटन, तो मेरे को यह बताना है कि फ्रिक्शन कितनी है। अब जब फ्रिक्शन कितनी है तो दो केस बन सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या बॉडी स्लाइड करेगी। अब पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये मूव करेगी या नहीं करेगी, इसको हिलाने की मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, कैलकुलेट करें। जब मैं ये बोलता हूँ इसको हिलाने की मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, तो मैं किसकी वैल्यू बात कर रहा हूँ? मैक्सिमम स्टैटिक की। तो पहले, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके अंदर म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 इंटू 10, तो आंसर कितना आ गया? 50 न्यूटन। इस बॉडी को अपनी जगह से हिला
इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कम से कम फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है? 50 न्यूटन। पर तुमने कितनी लगाई? 20 न्यूटन। तो बॉडी नहीं हिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ फ्रिक्शन कितनी है? ये मत बोल देना 50, ये तो आपकी चेकिंग की वैल्यू है, क्योंकि आपने फोर्स 20 लगाई, तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी काउंट होगी? 20 न्यूटन इज द आंसर। ऐसे 20 न्यूटन है, सही है यहां तक। लेकिन अगर सपोज करो मैं क्वेश्चन में ये दे देता कि इस बॉडी को मैंने 200 न्यूटन फोर्स लगाई, अब ये चेकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको ये पता है इस क्वेश्चन में इस बॉडी को मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना है कि ये मूव करे? कितनी? 50 न्यूटन। पर तुमने कितनी लगाई? 200 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 200 ना बोल देना। अब ये बॉडी चलेगी, और जब चलेगी तो कौन से फ्रिक्शन रोल पे करेगी? काइनेटिक। तो फिर से कैलकुलेट करो, इस बार म्यू के, यानी कि म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.4 इंटू 10 इंटू 10 आंसर कितना आएगा? 40 न्यूटन इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहली चीज ये होती है म्यू एस से आप मैक्सिमम स्टैटिक कैलकुलेट करें और देखें कि ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर तो ये चल पड़ी फिर तो काइनेटिक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं चली तो फिर देखना पड़ेगा आपने कितनी फोर्स लगाई, वही फ्रिक्शन हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, और यही पकड़ना है आपको। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको चेकिंग करनी है इसकी? ठीक। और अच्छी बात यह है 95% क्वेश्चंस, 95 से भी ज़्यादा, आपको क्वेश्चन पूछने वाला बता देगा कि बॉडी चल रही है या ये रेस्ट पे है। तो चेकिंग का काम 5% क्वेश्चन ही को टेढ़े क्वेश्चन पे लगता है, नहीं तो चेकिंग का काम करने का स्टूडेंट का होता नहीं है। वो बता देगा, जैसे मैंने बता दिया कि बॉडी स्लाइड कर रही है, फिर चेक क्या खा करोगे? वो तो कई रेस्ट स्लाइड कर रही है, फिर कौन से फ्रिक्शन है? काइनेटिक। वो बोल देगा बॉडी चल नहीं रही फोर्स लगाने पे, इसका मतलब स्टैटिक। ये अच्छी बात है, वो बता देगा स्टैटिक है या काइनेटिक है। और अगर ना बताया और दो दो म्यू दे दिया, फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम खुद बता दो चलेगी कि नहीं चलेगी, एक स्टेप और भी चेक कर लो। तो मैं तो आपको हर चीज डीप में बता रहा हूं कि आपको चेकिंग कैसे करनी है। कोई डाउट इसमें? सही है, मैंने बोला था थोड़ी चला के आइए, क्लेवर है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना, भेस बदल लेती है। वो अगर नहीं चल रही तो 4 है तो 4, 5 है तो 5, और यहीं पे वो गेम खेलेगा ऑब्जेक्टिव वाला। वो अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा बॉडी को कभी नहीं चलाएगा, तो वहाँ फंसोगे, और अगर चलाएगा फिर क्या है, फिर तो म्यू के पता ही है, फिर तो बात ही खत्म है। ठीक है यहाँ तक? तो इसमें अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, हाँ, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो किस्म का हो गया, एक हो गया क्या म्यू एस, और एक क्या हो गया म्यू के। एक हो गया कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हो गया कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये दो वैल्यूज क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि फ्रिक्शन की दो वैल्यूज आती हैं, एक मैक्सिमम स्टैटिक आती है म्यू एस को यूज करके, और काइनेटिक आती है म्यू के को यूज करके। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट है, आपको ग्राफ प्लॉट करने को आ सकता है, प्लॉट करने को या ऑप्शन में मार्क करने को, किसका? फ्रिक्शन का वर्सेस फोर्स अप्लाइड का, कि तुमने कितनी फोर्स अप्लाई की और कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर तुम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में साफ पता लग रहा है कि जब इस बॉडी को हिलाने के लिए मैक्सिमम फोर्स या मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? 10 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब तुमने फोर्स लगाई 1 तो अप्लाइड फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी डेवलप होगी 1, 2 तो 2, 5 तो 5, 10 टू 10। तो जब तक तुम 10 नहीं लगाते आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ देख रहे हो, आपके अप्लाइड फोर्स 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो आपकी फोर्स बढ़ती जा रही है। तो इस सारी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक। फिर एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, मैक्सिमम स्टैटिक या लिमिटिंग, इसको बोलते हैं 10 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक या लिमिटिंग। उसके बाद बॉडी चल पड़ेगी, तुम कितनी भी फोर्स लगा लो उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगी 9.8 9.8 9.8 9.8। तो ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ के अंदर ये ऊपर गया और फिर ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है यहां तक? तो अब अगर एक मिनट के लिए मैं डेफिनेशन पढ़ूं किसकी? फ्रिक्शन की। अब समझ में आएगी फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको, कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन में क्या खास है,
ये देखो, वेन एवर अ बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव, मूव तो बात समझ में आती है, चल रही है, टेंड टू मूव समझ में नहीं आती। टेंड टू मूव का मतलब है वो स्टैटिक है और तुम जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी स्टैटिक है। 1 न्यूटन लगाई, स्टैटिक है। 2 लगाई, स्टैटिक है। 3 लगाई, स्टैटिक है। 10 लगाई, स्टैटिक है। तो लेकिन कोशिश तो कर रही है टेंड टू मूव, चल नहीं रही पर मूव तो करने की कोशिश तो कर रही है, तब भी उसमें फ्रिक्शन काम करेगी। तुम ऐसा बोल नहीं सकते कि सर बॉडी तो चली नहीं, बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए पर हमने लगाई 1 न्यूटन, बॉडी तो चली नहीं तो फ्रिक्शन किस काम की। भाई जब तुम कह रहे हो फ्रिक्शन नहीं लेनी तो बॉडी को चला दो, और अगर बॉडी चल नहीं रही तुमसे तो इसका मतलब फ्रिक्शन है। तो यानी कि खड़ी हुई बॉडी की भी फ्रिक्शन होती है। हाँ, लेकिन ये भी ट्रू है, ये बेंच पड़ा हुआ है, मैंने टच नहीं किया इसे, अप्लाइड फोर्स 0 है, हाँ अब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन तो तब स्टार्ट होगी जब तुम इसे फोर्स लगाओगे, ये मूव करे या ना करे वो बात अलग है, पर अगर तुमने इसके ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर दी, बॉडी विल टेंड टू मूव, कोशिश करेगी चलने की, फ्रिक्शन अपना काम करेगी। तो जब मूव करेगी तो काइनेटिक है, टेंड टू मूव करेगी तो स्टैटिक है। तो भारी शब्द है वो टेंड टू मूव, जो शायद नोट भी ना करे कोई। तो कह रहे हैं कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे चलती है, अ फोर्स कम्स इनटू अ प्ले विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोजिस द रिलेटिव मोशन, दिस अपोजिशन फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। वो अलग बात है, डेफिनेशन थोड़ा पूछेगा अगर फ्रिक्शन की, कॉन्सेप्ट है ये तो ठीक है। तो जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे वो कहेगा ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो माइक्रोस्कोप ले लेके ओरिजिन देखा गया, तो ओरिजिन क्या है, अटोमिक या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही बॉन्ड बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए ये फ्रिक्शन की फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, जिसका सोर्स चार्ज है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा कॉन्टैक्ट है, ये भी रफ है और ये भी रफ है। तो ये मैंने एग्जाम्पल शुरू में दे दिया था। नेक्स्ट है, ये डायग्राम बड़ा अजीब डायग्राम है, देखते हुए जब पहली बार स्टूडेंट पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता क्या बात कर रहा है, पर क्योंकि तुमने कहानी सुन ली तो मैं समझ में आएगा। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था प्रैक्टिकल सा, कि बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, मैंने 1 लगाई तो फ्रिक्शन 1 है, 2 लगाई तो फ्रिक्शन 2 है, 3 लगाई तो फ्रिक्शन 3 है, करते करते 10 लगाई तो फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक है, फिर काइनेटिक है, बॉडी चल पड़ी। देखो इसी बात को ये कैसे सीक्वेंसेस समझा रहा है, ऐसे ए से लेके एफ तक। देखो तुमने फोर्स लगाई मान लो 1 न्यूटन, और बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए थी, 10 न्यूटन, बॉडी नहीं चलेगी, कौन से फ्रिक्शन रोल करेगी, प्ले करेगी, स्टैटिक। तुमने लगाई 2 न्यूटन, स्टैटिक। तुमने लगाई 8 न्यूटन, स्टैटिक। तुमने लगाई 10 न्यूटन, तो मैक्सिमम स्टैटिक आ गई 10। तुमने लगाई उससे ज्यादा तो बॉडी चलनी स्टार्ट होगी, और कौन सी फ्रिक्शन आ गई, काइनेटिक। ये एग्जांपल समझना पता हूं क्यों मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं लग रहा कि फोर्स बढ़ रही है, मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे को एग्जांपल आता है और मैं ये देख पा रहा हूं, अगर ये FS है तो ये स्टैटिक ही है, और यहाँ पर फ्रिक्शन FS है, और यहाँ पर वो मैक्सिमम स्टैटिक कर चुका यानी कि इसके बराबर फोर्स हो चुकी है, और यहाँ पर ये फोर्स इससे तो बड़ी हो चुकी है तभी तो काइनेटिक है। समझ में आ रहा है ये डायग्राम कैसे बनाया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का। देखो फ्रिक्शन का अगला कॉन्सेप्ट है जो शायद मुझे पता नहीं आप सोच पाए ना सोच पाए, लेकिन ये सोचना ऐसा ही पड़ेगा आपको। सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ये लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मान लो मैंने आपको ये दे दिया या नहीं भी दिया फर्क नहीं पड़ता, चलो मैंने दे दिया, ये ब्लॉक आगे स्लाइड कर रहा है, ये आगे स्लाइड कर रहा है, करने दो ठीक है। तो मैंने आपसे ये पूछा, अगर मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये स्लाइड कर रहा है और यह फ्रिक्शन है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो, यहाँ पर काइनेटिक होगी, स्टैटिक का मतलब ही नहीं है क्योंकि मैंने बोल दिया कि बॉडी स्लाइड कर रही है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो कहाँ है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है,
और वो बॉडी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये फोर्स कहाँ पर है? लेफ्ट है। और इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? राइट क्या ये डायग्राम कंप्लीट है? कुछ कमी है? क्या कमी है? नॉर्मल रिएक्शन, उसके अलावा और कोई कमी? बना देता हूँ एम जी एन बना दिया, उसके बाद फ्रिक्शंस ठीक हैं? हाँ ये देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ वॉयलेट हो जाएगा, न्यूटन की आवाज़ सुनाई देगी रात को आपको, वो कहेगा देख ये फ्रिक्शन किसने लगाई? ग्राउंड ने लगाई, तो ब्लॉक भी इस ग्राउंड पे क्या लगाएगा? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। कहाँ लगाएगा? यहाँ लगाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन भी इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी। तो जैसे टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल एंड ऑपोजिट है, फ्रिक्शन भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि जब ग्राउंड ने फोर्स लगाई एफ के, तो ब्लॉक ने भी ग्राउंड को फोर्स लगानी है एफ के। तो तुम कहोगे फिर ये हर बार बनेगा? कॉन्सेप्ट तो यही कहते हैं बनना चाहिए, पर बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते? सोचो इस फोर्स का तुम करोगे क्या? ये फोर्स किस पे लग रही है? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब अर्थ। लो तो क्या तुम ये डायग्राम बनाओगे? ये देखो अर्थ अब हिलेगी। अर्थ को कौन हिलाएगा यार? अर्थ को तो दुनिया भर की फोर्स लगा, तो नहीं कोई हिल सकती। तो इसलिए ये दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्थ को फोर्स लगा भी दोगे उसको कोई फर्क ना पड़ता, फर्क तो ब्लॉक को ही पड़ेगा। और हमारे क्वेश्चन ब्लॉक पे चलते हैं, ग्राउंड पे थोड़ी ना चलते हैं। इसलिए ज्यादातर बुक्स इसको बनाती ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये होती नहीं। ये इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, वो अलग बात है कि जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है या इक्वल एंड ऑपोजिट करेगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट काम करती है, ठीक है। अब जैसे आपके असाइनमेंट के अंदर ही ये डायग्राम तुमने कर ही लिया, रादर ये वाला डायग्राम बता दिया मैंने इस तरीके से। तुम अगर बॉडी मूव कर रही है, चाहे एक्सलरेट करे, चाहे वेलोसिटी स्लो हो, चाहे तेज हो, काइनेटिक चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल एक ही वैल्यू रखती है काइनेटिक, कभी चेंज नहीं होती। होएगी तो रेस्ट पे पड़ी बॉडी ज़्यादा खतरनाक है, काइनेटिक में तो एक ही आंसर है, नहीं करता। लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ इज म्यू इनटू एन है, उसमें अगर होता तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ जाता उसमें, है नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है काइनेटिक, ठीक है यहाँ तक। तो जो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बता दिया फ्रिक्शन दो किस्म की है, स्टैटिक एंड काइनेटिक, मैंने एग्जांपल बता दिया, मैंने डायग्राम बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिए। जैसे एग्जांपल है, सपोज करो आपके पास ये ब्लॉक है 10 kg, 10 kg का ब्लॉक है, और ग्राउंड की दो फ्रिक्शंस गिवन है, एक स्टैटिक है और एक काइनेटिक है, दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस गिवन है। आपको ये बताना है कि मैंने 1 newton की फोर्स लगाई, तो क्या इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? पहले चेक करना पड़ेगा ये मूव करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए, इसको मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? इसके लिए आप क्या करेंगे? एफ ऑफ एस, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एम जी है, म्यू एफ एस की वैल्यू 0.5 है, और एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 है, 50 newton। तो ये क्या आई? मैक्सिमम स्टैटिक। स्टैट लिखते बुक एफ एस है, पर होती है मैक्सिमम स्टैटिक है। तो मैक्सिमम स्टैटिक की वैल्यू कितनी है? 50 newton है। इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स 50 newton चाहिए, पर तुमने कितनी लगाई? 1 newton। तो इसका मतलब इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, तो नो स्लाइडिंग, तो काइनेटिक तो है नहीं, तो कौन सी फ्रिक्शन है? सिर्फ स्टैटिक। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो आंसर ऑब्जेक्टिव में क्या मार्क करेंगे? 1 newton। 50 मत कर देना, और मैं दिखा दूंगा टेस्ट के अंदर, बहुत लोग 50 मार्क करके आएंगे, भूल जाएंगे, फिर से म्यू इनटू एन करके आंसर आ जाएगा, और वही तो वो चेक करेगा ऑब्जेक्टिव वाला कि कहीं ये तो नहीं चेक करे जा रहे। तो ये नहीं चेक करना, अगर आपकी अप्लाइड फोर्स 50 से कम है तो अप्लाइड फोर्स ही बन जाएगी फ्रिक्शन। तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोट कर लो 1 newton है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 newton है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास, आपने फोर्स 100 newton लगा दी,
और बॉडी को मूव करवाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 50 न्यूटन, पर तुमने कितनी लगाई? 100 न्यूटन। बॉडी स्लाइड करेगी, और करेगी तो यहाँ पर स्टैटिक का कोई काम नहीं है, मुझे स्टैटिक चाहिए ही नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक। तो अलग से निकालो काइनेटिक, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, आंसर 40 न्यूटन है। और क्योंकि ये बॉडी मूव करेगी तो वो पूछ सकता है बताओ कितनी एक्सलरेशन से मूव करेगी, तो तुम क्या करोगे? 10 केजी का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर फोर्स है 100 न्यूटन, और काइनेटिक निकालनी पड़ेगी 40 है, तो एक्सलरेशन क्या होगी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्सेज मास इनटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन आ जाएगी। क्या ये स्टेप क्लियर है?